दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी बढ़िया और असरदार टिप्स बताने वाला हूं जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। इसे जानने के बाद 101% आपके स्किन में नई जान आ जाएगी। आपकी स्किन भी हॉलीवुड के स्टारों की तरह ही चमकने लगेगी। आपको भी लड़कियां मुड़ कर देखेंगी और कहेंगी कि क्या हॉट और हैंडसम बंदा है यार। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो कि आज तक आप करते आए हो, जिसके कारण आपकी स्किन जवानी में ही बूढ़ों जैसी हो जा रही है। तो आइए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो कि हमारी स्किन के लिए सबसे जरूरी है, वीर्य रक्षा। दोस्तों वीर्य रक्षा हमारी बॉडी की वह नींव है जिसके बल बूते पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। तो आप खुद सोचो कि अगर हमारा नींव ही खत्म हो जाएगा तो क्या खाक ही हमारी स्किन शाइन करेगी। दोस्तों आप कभी गौर करना, जो वीर्यवान पुरुष होते हैं उनकी स्किन काफी ग्लो करती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। और दोस्तों जो लोग बहुत ही ज्यादा वीर्य नाश करते हैं ऐसे लोगों की कम उम्र में ही उनके चेहरे पर बुढ़ापे की निशानी, दाग धब्बे, झुर्रियां दिखने लगती है। ऐसे लोग हमेशा थके हुए होते हैं, इनका शरीर हमेशा थका हुआ और ढीला होता है। और हाँ दोस्तों अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त हो तो तुरंत उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपको भी उनकी बुरी आदत लग जाएगी। ज्यादा वीर्य नाश करने से शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हमारी स्किन शुष्क और बेजान हो जाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ब्लड सेल्स को सही रखने के लिए शरीर में सही मात्रा में पानी का होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में तो यह बात तक सामने आई है कि बार बार हस्तमैथुन और पोर्न जैसी लत की वजह से आपके चेहरे की चमक कम होने लगती है, जिसके कारण आप जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हो। इसलिए इस बुरी आदत से दूर रहें। नंबर 2, रात में फोन चलाने की वजह से अच्छे से नींद नहीं लेना। दोस्तों आजकल के नौजवानों को तो इतनी गंदी लत लग चुकी है फोन चलाने की कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। यह दिन में तो सारा दिन फोन चलाते ही है, लेकिन रात को सोते वक्त भी देर रात तक फोन चलाते हैं, जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और हमारी बॉडी को ठीक से नींद ना मिलने के कारण हमारा ब्रेन स्लो वर्क करता है, जिसका सीधा सा फर्क हमारी स्किन पर भी पड़ता है, जैसे आंखों के नीचे काले धब्बे दिखना, स्किन में डलनेस आना, चेहरे का काला हो जाना। नंबर 3, चेहरे पर फेस वॉश यूज करना। दोस्तों पहली बात तो हम लड़कों को चेहरे पर फेस वॉश या क्रीम लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी खूबसूरती हमारे कॉन्फिडेंस से निखरती है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार कोई भी फेस वॉश यूज करने से हमारी स्किन में फाइन लाइंस बनने लगती हैं, जो स्किन को जल्द ही बूढ़ा बना देती हैं। झुर्रियों की समस्या होने लगती है, आंखों के आसपास की स्किन लटक सकती है, जो उम्र को 10 साल तक बढ़ा हुआ दिखा सकती है। स्किन में रूखापन बढ़ सकता है, जो चेहरे का ग्लो फीका कर सकता है। स्किन का पीएच बैलेंस गड़बड़ा सकता है, जो कई स्किन प्रॉब्लम्स की वजह बन जाता है। इसलिए दोस्तों खासकर हम लड़कों को तो चेहरे को सिर्फ साबुन से ही धोना चाहिए, हमें किसी भी फेस वॉश या क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 4, रनिंग करें या फिर पसीना निकाल देने वाले वर्कआउट करें। दोस्तों अगर आप एक महीने के अंदर अपने चेहरे पर चमक देखना चाहते हो तो रनिंग करने की आदत बना लो, या फिर 1 घंटे तक मर्दों की तरह भरपूर वर्कआउट करने की। दोस्तों जब हमारे शरीर से पसीना आता है तो हमारे माइंड में एंडोर्फिन हार्मोन तेजी से रिलीज होता है, जिसके कारण हमारी नींद की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और यह एंडोर्फिन हार्मोन हमारे स्किन को ग्लो रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों शरीर से पसीना आना बहुत ही जरूरी है, यह शरीर से हिट को रिलीज करता है और इसके साथ ही डैमेज सेल्स यानी कि शरीर की गंदगी भी बाहर निकाल देता है और फिर हमारे ब्लड को भी साफ रखता है।
और दोस्तों जब आपको पसीना आता है तो आपके शरीर से मिनरल्स, डेड सेल्स एंड नेचुरल सॉल्ट बाहर निकल जाता है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। पसीना हमारे शरीर के कील मुहासे को साफ रखता है और स्किन में जमी गंदगी और अशुद्धियों को भी साफ करता है। इसके साथ ही डल स्किन और एलर्जी की समस्या को भी कम करता है। और जब शरीर से ज्यादा पसीना आता है तो आपको प्यास भी ज्यादा लगती है जिसके कारण आप ज्यादा पानी पीते हैं, और ज्यादा पानी पीने से आपकी त्वचा और शरीर को कई तरह के अनगिनत फायदे होते हैं। नंबर 5, नॉनवेज और फास्ट फूड खाना एकदम से कम कर दें। दोस्तों मैं मानता हूं कि नॉनवेज में भरपूर प्रोटीन होता है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में चर्बी भी तेजी से बढ़ती है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं और बहुत ही चिकन खाते हैं तो आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर आप बहुत अधिक मात्रा में नॉनवेज खाते हैं तो यह हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी तेजी से बढ़ाता है जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ जाता है। और दोस्तों हार्ट से रिलेटेड समस्या कितनी बढ़ चुकी है यह तो आप खुद देख चुके हैं। इसलिए दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए ज्यादा नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों एक महीने के लिए अंडे, मछली या मांस ना खाएं और किसी भी तरह की बाजार की तली भुनी चीजें ना खाएं। इससे आपको बहुत ही जल्दी अपने स्किन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे जरूरी चीज है जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए वह है फ्रूट्स और हरी सब्जियां। दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी डॉक्टर, एथलीट, एक्टर या फिर किसी डाइटिशियन के मुंह से जरूर सुना ही होगा कि हमें अगर फिट, एक्टिव और अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो सबसे ज्यादा फ्रूट्स और हरी सब्जियां ही खाना चाहिए, क्योंकि फल और हरी सब्जियां फाइबर से भरपूर होते हैं। इससे शरीर को मिलते हैं कई जरूरी विटामिन। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और आयुर्वेद के अनुसार हमारे स्किन और बालों को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी चीज फल ही है, क्योंकि फलों में कई प्रकार के फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनॉल्स नामक तत्व होते हैं। ये दोनों ही चीजें ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं और स्किन को साफ रखते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही चीजें बालों और स्किन की चमक बढ़ाने और इन्हें डैमेज से बचाने में भी काफी मदद करते हैं। तो इन तमाम कारणों से आपको रोजाना एक फल तो खाना चाहिए। फलों में खासकर दोस्तों अंगूर, सेब, संतरा, मौसमी, कीवी, तरबूज, अनार और ड्राई फ्रूट्स जैसे फल आपके स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों इन 5 नियमों का पालन पूरी शिद्दत से सिर्फ एक महीने के लिए ट्राई करके देखो, आपकी स्किन में एक अलग ही चमक ना आए तो कहना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।